दर्शकों का स्वागत है। गृह मंत्री ने पेश किया कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बैठाने का प्रस्ताव। लोकसभा में शाह दो प्रस्तावों को लेकर आए, जिसमें एक वहां के राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का और दूसरा वहां के संविधान के अनुच्छेद 5 और 9 के तहत प्रावधान में संशोधन करने का प्रावधान शामिल है। घोषणा पत्र में इन तीन बातों का जिक्र करना कांग्रेस को पड़ा महंगा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि राजद्रोह कानून को खत्म करने और आर्म्स फोर्स एक्ट में बदलाव और जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती जैसे बातें पहले ही घोषणा पत्र में कर देने से जनता का विश्वास पार्टी से हट गया है। पीयूष गोयल का ऐलान, रेलवे में 50% पदों पर महिलाओं की होंगी भर्ती। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि रेलवे में होने वाली 9000 से अधिक कांस्टेबल और सब कांस्टेबल के पदों की भर्ती के लिए महिलाओं को 50% पद दिए जाएंगे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।